गुनाह का फंसाया गया है, वो 2 साल से ढार है, उसके ऊपर झूठा केस लगाकर, वो सिर्फ इतनी थी कि वो सिर्फ अपने अब्बा से मिलने गया था। ऐसा क्या बोल दिया साहिस्ता परवीन ने कि हो गई रोने पर मजबूर। अतीक के मरने के बाद साहिस्ता परवीन ने खेला सबसे बड़ा खेल। बेटे की मौत के बाद साहिस्ता को कोई परवाह नहीं और कहा बेटे के मरने पर मुझे कोई गम नहीं। लेकिन जब तक अतीक अहमद जेल में था तब उसे एक भाषण देने जाना था, लेकिन वह जेल में होने के कारण वहां नहीं जा सका, तो उसने अपनी पत्नी साहिस्ता परवीन को चिट्ठी लेकर वहां पर भेज दिया। ऐसा क्या बोल दिया कि वह रोने पर मेरे बेटे के न होने की वजह से हमें इस मंच पर खड़े होने की निकलने की, सांसद जी ने कहा कि निकलना पड़े। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज रील्स किंग को फॉलो करें और लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाके फॉलो करें, इस वीडियो को पूरा देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अतीक अहमद को इंसाफ मिल सके।